लास्ट टॉपिक में हमने डांस म्यूजिक के बारे में जाना, अभी हम इस वीडियो में देखेंगे डांस। तो द वर्ड नृत्य हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड नृत्य। तो ये जो नृत्य शब्द है वो ओरिजिनली नृत्य नाम के संस्कृत वर्ड में से लिया गया है। डांस इज वन ऑफ द मीडियम ऑफ रियलाइजिंग ब्यूटी विथ ताल एंड लय। तो डांस वो एक ऐसा माध्यम है जिससे हम ब्यूटी को रियलाइज कर सकते हैं ताल और लय के साथ, एंड फॉर दी रियलाइजेशन ऑफ एस्थेटिक जॉय, और इसके साथ साथ हम अंदरूनी आनंद अपने मन का आनंद मीन्स एक आस्थापूर्वक जो आनंद मिलता है हमें, वो आनंद हम रियलाइज कर सकते हैं डांस के साथ। शिवा द लॉर्ड ओरिजिनेटेड ऑफ डांस इज द लॉर्ड ऑफ डांस। तो शिवा यानी कि भगवान शंकर, वो ऐसा के कहा जाता है कि वही डांस के फाउंडर्स है। उन्होंने ही सबसे पहले ये जो भगवान शिव हमें ये जो अंदर दिख रही है मूर्ति, वो नटराज की मूर्ति है जो भगवान शिव ने तांडव किया था, वो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो शिवा इज देयरफॉर ऑल्सो सेड टू बी नटराज, इसीलिए उनको नटराज भी कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग डाउन म्यूजिक फ्रॉम द हीवन टू द अर्थ टू टीच दिस आर्ट ऑफ डांस टू द पीपल। तो भगवान शिव ही थे जिन्होंने इस कला को स्वर्ग में से धरती के ऊपर लाया था, और उसके बाद उन्होंने ये लोगों को सिखाया और ये कला हमारे सामने आई। इंडिया हैज़ वाइड वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस। तो भारत के पास कई वाइड वेराइटी है ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस की, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी एंड मणिपुरी। तो ये सभी हमारे भारत के जाने माने डांसेस हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे भरतनाट्यम। तो ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम इज बिलीव टू बी तंजोर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम का जो उद्भव स्थान है वो तमिलनाडु का तंजोर डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। देर आर टू बुक्स, नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि एंड अभिनव दर्पण बाय नंदिकेश्वर। तो भरतनाट्यम के बारे में दो बुक्स है, एक भरत मुनि के द्वारा लिखा गया नाट्यशास्त्र और दूसरा है नंदिकेश्वर द्वारा लिखा गया अभिनव दर्पण, एंड विच आर द ओरिजिनल सोर्सेज ऑफ भरतनाट्यम, जिसमें से हमें भरतनाट्यम के बारे में जानने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम गोपी कृष्ण एंड मृणालिनी साराभाई, द एक्ट्रेस लाइक वैजयंतीमाला एंड हेमा मालिनी एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी द प्रिजर्वर्स ऑफ दिस हेरिटेज। तो कई सारी ऐसी फेमस हस्तियाँ भी इस डांस के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि गोपी कृष्णा और इसके अलावा मृणालिनी साराभाई, इसके अलावा कई सारी ऐसी एक्ट्रेस भी है जैसे कि वैजयंतीमाला और हेमा मालिनी, वो भी भरतनाट्यम के साथ जुड़ी हुई है, और उन्होंने हमें कंसिडर कर सकते हैं कि उन्होंने ही ये जो हमारी हेरिटेज है भरतनाट्यम के रूप डांस के रूप में, उन्होंने इनको प्रिजर्व करने का काम किया है। उसके बाद कुचिपुड़ी। तो दिस स्टाइल ऑफ डांस वॉज क्रिएटेड इन 15th century। तो ये जो कुचिपुड़ी डांस है वो 15th century में क्रिएट किया गया माना जाता है। इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ वुमन्स ब्यूटी, और ये स्त्री की सुंदरता के आधार पर ये बेस्ड होता है, यानी कि कुचिपुड़ी डांस करने वाली जो स्त्री होती है वो उस काफ़ी अच्छा श्रृंगार कर वो काफ़ी सुंदर लगती है। डिफरेंट पोजिस एंड गेस्टर्स परफॉर्म बाय मेल एंड फीमेल डांसर्स आर वोवन इन द फाउंडेशन ऑफ दिस डांस। तो यहाँ इस डांस में जो अलग अलग पोजिस देते हैं मेल या फीमेल डांसर, पोजिस या फिर गेस्टर, वो ही देखने लायक होता है कि सच में ये डांस जब वो पूरा अपना गेटअप लेकर पूरा श्रृंगार कर जब ये डांस करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तब सच में वो डांस देखने लायक बनता है। कुचिपुड़ी इज फेमस इन आंध्र प्रदेश। तो ये जो डांस है वो आंध्र प्रदेश में ज़्यादा फेमस है। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू एक्सेट्रा आर वेल नोन डांसर्स हु हैव प्रिजर्व दिस एंशियंट ट्रेडिशंस। तो कुचिपुड़ी के बाद अभी हम कथकली देखेंगे। तो दिस स्टाइल ऑफ डांस इज़ वेरी फेमस इन केरला। तो ये जो डांस है वो केरला में ज़्यादा फेमस है।
द वर्ल्ड कथकली हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ड्रामास बेस्ड ऑन एंशियंट एपिक रामायण एंड महाभारत एंड मिक्स ड्रामास ऑफ संस्कृत एंड मलयालम। तो ये जो कथकली जो वर्ड है वो जो ड्रामा यानी कि हमारे पहले एंशियंट एपिक है महाकाव्य रामायण और महाभारत, इसके अलावा दूसरे मिक्स ड्रामा जो संस्कृत में संस्कृत और मलयालम लैंग्वेज में लिखे गए हैं उनके ऊपर से ये कथकली वर्ड लिया गया है। द कैरेक्टर ऑफ दिस आर्ट वेयर ब्यूटीफुल पेंटेड अटायर्स। तो ये जो डांस करने वाले कैरेक्टर होते हैं वो ब्यूटीफुल पेंटेड अटायर पहनते हैं। वी हैव टू रीड देयर फेशियल एक्सप्रेशंस टू रिकग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर। तो अगर हम वो डांसर कौन से कैरेक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो वो देखने के लिए हमें उनके फेशियल और उनकी आंखों के एक्सप्रेशन को देखना पड़ता है, तब जाकर हमें पता चलता है कि नहीं वो किसका रोल प्ले कर रहा है। द क्राउन दे पुट ऑन देयर वेरी आर्टिस्टिक। तो वो जो क्राउन यानी कि वो जो मुकुट पहनते हैं वो सच में काफ़ी आर्टिस्टिक होता है। द कैरेक्टर परफॉर्म हिज और हर डांस विथ फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोजिस ऑफ हैंड टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर ऑफ त्रिलोक। तो वो जो कैरेक्टर परफॉर्म करते हैं वो पहचानने के लिए उनके फेशियल एक्सप्रेशन और जो पोजिस देते हैं वो और उसके साथ मीन्स हाथ के जो पोजिस देते हैं वो हमें दिखाते हैं कि नहीं वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जैसे कि त्रिलोक, दे कैम इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन विद द लाइट ऑफ अर्थन लैम्प ओनली। और वो कर्टेन के सामने जो जब वो आते हैं तब वो कर्टेन के पीछे ओनली एक छोटी सी अर्थन लैम्प लगा हुआ होता है, उसकी रोशनी में ही वो कर्टेन के पीछे आते हैं कर्टेन के आगे आते हैं। पोएट ऑफ केरला श्री वल्लथोड़, उन्हें हम ये जो वो है फाउंडेड ऑफ कालामंडल कथकली। तो ये जो पोइट है श्री वल्लथोड़ उन्हें वो कलामंडल कथकली के फाउंडर है। उसके साथ साथ कलामंडलम कृष्ण प्रसाद एंड शिवरामन एक्सेट्रा हैव अर्न ग्रेट फेम इन द नेशंस एंड वर्ल्ड वाइड। तो इसके अलावा ये जो दूसरे कथकली के डांस फॉर्म है जैसे कि कलामंडलम कृष्ण प्रसाद और शिवरामन एक्सेट्रा ये भी सारे पूरी दुनिया में देश और दुनिया में काफ़ी फेमस है। उसके बाद कथक डांस, तो द लाइन कथक कथन करे सो कथक कहावे इज रिलेटेड टू दी कथक डांस। तो ये जो लाइन है वो कथक डांस से रिलेटिव है। द कथक डांस नरेट्स द लाइफ इवेंट एंड इंसिडेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो कथक डांस में हमें ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, तो भगवान श्री कृष्ण के लाइफ में जो इवेंट्स हुए और जो इंसिडेंट हुए ये हमें ज़्यादातर इस डांस में देखने को मिलते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व डैट इट हैज़ डेवलप्ड विथ श्रृंगार भक्ति। तो ये माना जाता है ये देखा जाता है कि ये श्रृंगार भक्ति के साथ डेवलप हुआ है। उसके साथ उसके बाद हम देखेंगे मणिपुरी डांस। तो द पीपल ऑफ मणिपुर डांस ऑन एवरी ओकेशंस एंड फेस्टिवल्स दिस डांस स्टाइल इज चीफली बेस्ड ऑन रासलीला एंड बाल लीला ऑफ कृष्णा। तो ये जो डांस है वो मणिपुर के लोग ज़्यादा करते हुए देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर ये किसी ओकेशन मीन्स ज़्यादातर ये ओकेशनली या फिर फेस्टिवल के दौरान ये डांस हमें मणिपुरी लोगों से देखने को मिलता है। और इस ये जो डांस होता है वो मेनली भगवान श्री कृष्ण की रासलीला और उनकी बाल लीला के ऊपर बेस्ड होता है। मणिपुर डांस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। और ये मणिपुरी जो डांस है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया हुआ है, एक लाश्य एंड तांडव। द पेंटेड ग्रीन कलर्ड पेटीकोट इज नोन एज कुमिन एंड एट द सेम टाइम सिल्क ब्लाउज एंड अ बेल्ट आर पुट ऑन अराउंड द वेस्ट। गुरु एमओबी सिंह अटोम्बो सिंह गुरु बिपिन सिंहा नैना झवेरी निर्मल मेहता एक्सेट्रा हैव गेन वर्ल्ड वाइड फेम। तो ये सभी ये मणिपुरी डांसेस के काफ़ी अच्छे डांसर हैं। उसके बाद देखते हैं हम ड्रामेटिक आर्ट। तो प्रेजेंटिंग संस्कार विथ एंटरटेनमेंट इन द यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन ड्रामेटिक आर्ट। तो जो
हमारे संस्कार होते हैं वो एंटरटेनमेंट के बीच लोगों के सामने एक यूनिकली लोगों के सामने यूनिकली प्रेजेंट करना, और ये हमारे इंडियन ड्रामेटिक आर्ट का एक यूनिक फीचर है। अपार्ट फ्रॉम दिस एंकर एंड फनी पेज ऑफ क्लाउंस एंटरटेन ऑडियंस, तो इसके इसमें एक एंकर होता है और दूसरे क्लाउंस होते हैं, यानी कि वो होते हैं ना जोकर, वो जो लोगों को एंटरटेन करते हैं। नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि इज वेल नोन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, तो भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है वो इस फील्ड में यानी कि आर्ट के फील्ड में काफ़ी फेमस है। ड्रामेटिक आर्ट रिटर्न ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा अलोंग विथ ऑडियो वीडियो ऑडियो विजुअल एड्स, दिस ट्रायो होल्ड द कैपेसिटी टू एंटरटेन द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप, तो किसी भी ड्रामेटिक आर्ट को प्रेजेंट करने के लिए चाहे वो राइटिंग ड्रामा हो या फिर परफॉर्मिंग करने वाला ड्रामा हो या फिर ऑडियो विजुअल जो ऑडियो विजुअल एड्स वाला ड्रामा हो, इन तीनों में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को एंटरटेन कर सके, चाहे वो इंसान किसी भी एज का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर युवा हो। ड्रामेटिक आर्ट इज एन एमलगमेशन ऑफ ऑल दिस आर्ट, तो ये जो ड्रामेटिक आर्ट होती है वो तीनों आर्टों का एक समन्वय होता है। डिस्क्राइबिंग इट भरत मुनि सेज, और इस आर्ट को डिस्क्राइब करते हुए भरत मुनि ने कहा है कि देर इज नो बुक, देर इज नो स्कल्पचर, देर इज नो नॉलेज, देर इज नो डीड्स विच इज लेकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि वॉज देवासुर संग्राम, तो देवासुर यानी देव और असुर, देव और राक्षसों का संग्राम। उसके बाद इन संस्कृत लिटरेचर्स वी हैव वेरियस वेल रिनोड ड्रामेटिस्ट, तो हमारे जो संस्कृत लिटरेचर है उसमें हम कई सारे ऐसे जाने माने ड्रामेटिस्ट इसमें हम देखते हैं कि हमारी लैंग्वेज में कौन से, तो बास इज द पोएट ऑफ पोइट्स एमोंग देम, तो बास इन सभी पोइटों में से एक पोइट है। ही हैज बिक्वेथेड अस ड्रामा लाइक कर्णबार, उरुबंग, दूतवाक्यम बेस्ड ऑन महाभारत, तो ये जो भास ने ये जो महान महान ड्रामा है जैसे कि कर्णबार, उरुबंग और दूतवाक्यम, ये इन्होंने महाभारत के आधार पर ये तीनों ड्रामा मीन्स आर्ट ड्रामेटिक आर्ट लिखे हुए हैं। ही हैज उसके बाद वेरियस कालिदास द फॉर मोस्ट पोइट गिफ्टेड अस प्ले लाइक अभिज्ञान, शाकुंतलम, विक्रमोवर्षियम एंड मालविकाग्निमित्रम, यानी मालविकाग्निमित्रम, तो ये तीन जो महाकाव्य है, ये जो महा आर्ट है ड्रामेटिक आर्ट है, ये महाकवि कालिदास ने लिखे गए हैं, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम अबो मैनी ड्रामेटिक केम एंड अनरिच द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ संस्कृत लिटरेचर, और इसके अलावा कई सारे ऐसे ड्रामेटिस्ट संस्कृत लिटरेचर में आए और गए, जिन्होंने कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे ड्रामेटिक आर्ट लिखी है। उसके बाद फोक डांसिस ऑफ गुजरात, तो फोक डांसिस यानी कि लोक नृत्य कि जो आमतौर पर सामान्य लोगों के द्वारा किए जाते हैं उसे फोक डांसिस कहते हैं। तो देर आर वेरिड डांसिस फ्रॉम बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ गुजरात, तो कई सारे ऐसे डांसिस हैं जो अलग अलग कम्युनिटीज जो गुजरात में बसती है उनसे बिलोंग करते हैं, जैसे कि दिस डांसिस फ्रॉम आर अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस एंड कस्टम, और ये जो डांसिस फ्रॉम होते हैं वो जहाँ तहाँ के जो लोग बसते हैं उनके ट्रेडिशन और कस्टम के ऊपर आधारित होती है। एमंग देम आर ट्राइबल एंड फोक डांसिस, और उनमें से ट्राइबल और फोक डांसिस गरबा, रास, मैनी मोर फोक डांसिस, और ये सब भी हम कहते हैं कि हमारे जो आसपास में जो किए जाते हैं जैसे कि फोक डांसिस, गरबा, रास, ये सभी को हम फोक डांसिस कहते हैं। सच आर्ट ऑफ डांस कैन बी सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल, मैरिज एंड फेस्ट, और इस प्रकार के जो डांसिस होते हैं फोक डांसिस वो हम फेस्टिवल्स, मैरिज या फेस्ट के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद ट्राइबल डांसिस, तो ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात इज सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल, मैरिज, फेस्ट एंड टू प्लीज
गॉड एंड गॉडेसेस। तो ये इस प्रकार के डांसेस भी हमें फेस्टिवल, मैरिज और फेस्ट के दौरान मिलते हैं, जिससे भगवान या मीन्स देवी देवताओं को खुश करने के लिए डांसेस किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ डांसेस आर परफॉर्म्ड बाय फॉर्मिंग अ सर्कल अलॉन्ग विद द वेरियस ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम, ट्रेडिशनल मंजीरा, थाली, ढोलक विथ सॉन्ग इन रिलीजन इन रीजनल लैंग्वेज। तो इस प्रकार के जो डांसेस होते हों नॉर्मली सर्कल बनाकर ही किए जाते हैं, मीन्स और उनमें ट्रेडिशनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ड्रम, ट्रेडिशनल मंजीरा, थाली, ढोलक और जो रीजनल सॉन्ग होते हैं, वहाँ के देशी लोक गीत होते हैं, उनके साथ ये डांसेस किए जाते हैं। इन द डांस फॉर्म नॉन एज चारो कैरेक्टर इमिटेट डिफरेंट बर्ड्स क्रिएचर्स लाइक पिकॉक, स्क्विरल एंड स्पैरो। तो एक डांस फॉर्म है जिसे हम चारो कहते हैं, जो अलग अलग प्रकार के पक्षियों के आधार पर, मीन्स पक्षियों के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि पक्षी किस तरह का बिहेव करते हैं उस तरह का बिहेवियर कर कर यह डांस किया जाता है। एंड डांस लाइक मालिनो चारो एंड ठाकरियो चारो आर सीन इन डांग। तो ये जो डांसेस है हमें डांग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं, डांग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर वो ट्राइबल लोग रहते हैं वो इस प्रकार का डांस वो किया करते हैं। वेरस टिपनी डांस ऑफ लेबरर्स परफॉर्म बाय बिल। तो ये जो टिपनी डांस है वो ये जो बिल प्रजाति के लोग होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद गरबा। तो द वर्ड गरबा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गर्भडीप। तो ये जो हमारा गरबा है, हमारा गुजरात वैसे भी नवरात्रि के लिए फेमस है और नवरात्रि में हम गरबा करते हैं, वो पूरी दुनिया में फेमस है। और ये जो वर्ड है गरबा वो मेनली गर्भद्वीप गर्भद्वीप नाम के शब्द में से आया हुआ है। एंड अर्थन लैम्प इज प्लेस्ड इन अ होल अर्थन पॉट, डांसर कीप इट ऑन देयर हेड एंड मूव अराउंड इट सर्कल। गरबा आर परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल इन ऑल पार्ट ऑफ गुजरात। तो इस डांस फॉर्म में क्या होता है कि एक अर्थ का लैम्प यानी कि एक मटका पोट होता है, उसके अंदर दिया जलाकर वो जो डांस करने वाला चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो अपने सर पर उठाकर फिर सर्कल राउंड लगाता है। और ये डांस हमें ज़्यादातर नवरात्रि में देखने को मिलता है गुजरात के सभी पार्ट में। गुजराती पीपल परफॉर्म एंड सिंग गरबा टू वर्शिप एंड प्रे आद्य शक्ति मदर जगदम्बा। तो हमारे जो लोग यानी कि गुजरात के जो लोग हैं वो गरबा को परफॉर्म करते हैं, और क्यों करते हैं, क्योंकि वो आद्य शक्ति माता जगदम्बा की पूजा करने के लिए सारी रात गरबा खेलते हैं। जनरली इट इज़ परफॉर्म इन द ओपन ग्राउंड अनसर्कल टू द मांडवी कैप्ट इन द सेंटर ऑफ द ग्राउंड अलॉन्ग विद द स्ट्रोक्स ऑफ हैंड्स एंड बीट्स ऑफ ड्रम। तो जनरली गरबा किस तरह से खेला जाता है कि बीच में ही वो पोट रखा जाता है, उसके अंदर एक मीन्स उसके अंदर दिए जलाकर आसपास सर्कल में स्त्रियां या पुरुष उसके सर्कल में डांस करते हैं, और ज़्यादातर वो बीट्स और ड्रम की ताल पर ये गरबा खेलते हैं। तो गुजराती पोएट्री नॉन एज गरबा एंड गरबी आर चीफली एसोसिएटेड विथ कृष्ण भक्ति। तो गुजराती पोएट्री में जो गरबा और गरबी का जो उल्लेख किया जाता है वो कृष्ण भक्ति से ही एसोसिएटेड यानी कि जुड़ी हुई होती है। गुजराती पोइट दयाराम रॉड पोइम इन गुजराती विच मेज लेडीज सिंग द कलरफुल एंड इमोशनल गरबी ऑफ लॉर्ड कृष्णा स्लव। तो गुजराती पोइट दयाराम के द्वारा जो लिखी गई गुजराती पोएम से उसमें ज़्यादातर वो स्त्रियाँ ही करती हैं वैसा उन्होंने उल्लेख किया, जो कलरफुल और काफ़ी इमोशनल होती है, और भगवान कृष्ण से जो प्रेम की प्रेम होती है वह भगवान कृष्ण के प्रति का प्रेम ही इस गरबियों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं रास। तो रास इज अ डांस टू बी परफॉर्म इन सर्कल अलॉन्ग विथ सिंगिंग। तो डांस भी ऐसा एक डांस का ऐसा प्रकार है जिसे सर्कल में गाते गाते किया जाता है। देर इज अ स्टोरी डेट लॉर्ड कृष्णा हैड शोन रास लीला टू डिवोट्स नरसिंह मेहता। तो एक कथा भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता को अपनी रास लीला
दिखाई थी। रास इज मोस्टली परफॉर्म इन गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि, तो रास भी नवरात्रि के दौरान ही गुजरात में किया जाता है। एंड जन्माष्टमी फेस्टिवल, तो नवरात्रि और जन्माष्टमी में रास हमको देखने गुजरात में सभी जगह पर देखने को मिलता है। डांडिया रास इज वन ऑफ इट्स टाइप, और डांडिया रास भी रास का ही एक प्रकार है। बट सम पीपल्स परफॉर्म रास बाय प्लेसिंग अर्थन पॉट ऑन दी हेड, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने सर पर अर्थन पॉट रखकर रास को परफॉर्म करते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णव सेक्ट, और वैष्णव सेक्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से रास हैज बिकम मोर पॉपुलर, तो रास आज ज़्यादा पॉपुलर है। वुमन वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक एम्ब्रॉयडरी चनिया चोली, एंड मैन वेयर्स एम्ब्रॉयडरीज केड़िया धोती वैन दे परफॉर्म रास, तो स्त्रियाँ चनिया चोली पहनती है एम्ब्रॉयडरी वाली, और पुरुष केड़िया और धोती पहनते हैं एम्ब्रॉयडरी वाला जब वो रास परफॉर्म करते हैं। उसके बाद दूसरे अदर डांस फॉर्म है गुजरात के, तो गोप गुंथन डांस, तो इट इज़ परफॉर्म ऑन ड्रम बीट एंड ताल एंड लय ऑफ म्यूजिक, तो ये जो गोप गुंथन डांस वो परफॉर्म होता है ड्रम बीट के ऊपर ताल और लय के साथ म्यूजिक के साथ, एंड टाइंग रोप विथ मंडप, और उसमें क्या होता है कि मंडप रोप के साथ मंडप बांधा हुआ होता है जो पिल्लरों के साथ ट्री के साथ या फिर होल्डिंग द अदर एंड इन द हैंड। दे परफॉर्म डांस इन ग्रुप होल्डिंग द रोप इन वन हैंड एंड डांडिया इन अदर, तो जो लोग ये गोप गुंसन डांस करते हैं उनके हाथों एक हाथ में रोप होती है और दूसरे हाथ में डांडिया होता है, और ये दोनों हाथ का यूज कर वो फिर इस डांस को परफॉर्म करते हैं। दे मेक क्रिपल लाइक फॉर्मेशंस, तो वो क्रिपल के लाइक यानी कि बेले के जैसे फॉर्मेशन में वो परफॉर्म करते हैं इस डांस को, एंड गोइंग वन इनसाइड एंड अदर कमिंग आउटसाइड, और एक अंदर की तरफ जाता है और दूसरा बाहर की तरफ आता है। दिस इज रिपीटेडली डन फॉर्मिंग अ सर्कल, और वो रिपीटेडली यानी कि बारी बारी की जाता है सर्कल बनाते हुए। दिस वे दे मेक एंड ओपन द गुंथन, दिस स्टाइल ऑफ डांस इज कॉल्ड गोप गुंथन डांस, और इस तरह से वो दिखाते कि वो कुछ गुंथ रहे हैं यानी वो प्लेट जैसे कि कुछ गुन रहे हो वैसा हमें वो दिखाते हैं, इसलिए इस डांस को गोप गुंथन डांस कहा जाता है। देन धमाल डांस ऑफ सिदीश, तो सिदीश प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन जाम्बुर विलेज इन द सेंटर ऑफ गिर, तो सिदीश जो आज गिर के सेंटर में जाम्बुन विलेज है वहाँ पर रहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि दे आर ओरिजिनली बिलोंगिंग टू अफ्रीका, और वो अफ्रीका के है ओरिजिनली ऐसा माना जाता है। परफॉर्मिंग दिस डांस दे परफॉर्म डांस बाय रिदमिकली स्ट्राइकिंग मिश्र यानी कि कोकोनट शेल्स कंटेनिंग अर्थन लैम्प इनसाइड कवर्ड विथ क्लोथ, वियरिंग पीकॉक फीदर एंड होल्डिंग स्मॉल ड्रम इन हैंड्स फॉर्मिंग सर्कल, तो वो अपने हाथ में क्या रखते हैं एक मीन्स पीकॉक के जो फीदर होते हैं वो पीछे पहनते हैं और एक हाथ में ड्रम रखते हैं और ड्रम बजाते बजाते वो सर्कल में डांस करते हैं। दे डांस विथ हाई एंड लो पिच इटोनेशंस ऑफ हो हो साउंड विच इकोस इन द होल फॉरेस्ट, तो वो क्या करते हैं कि हो हो साउंड यानी कि वो पूरी जोर जोर मीन्स पूरे जोर के साथ वो हो हो आवाज़ निकाल कर ये डांस सर्कल में किया करते हैं, यानी दे डांस इन अ ग्रुप इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, और वो एनिमल्स और बर्ड्स की आवाज़ निकालते रहते हैं और पूरे जोर से निकालते रहते हैं जिसका इको पूरे फॉरेस्ट में हमें सुनाई देता है। उसके बाद मेरायो डांस, पदार डांस एंड केडियो एंड मेर डांस, तो दिस टाइप ऑफ डांस इज सीन नियर द स्टेपवेल ऑफ बनासकांठा रीजन, तो ये हमारे बनासकांठा रीजन का ही एक डांस है। तोरण इज वोवेन विद द टॉल ग्रास और ऑफ रीड एंड झांझुड़ी, दिस डांस इज परफॉर्म ऑन ड्रम बीट्स एंड स्वॉर्ड ट्रिक्स, दिस टाइप ऑफ डांस इज कॉल्ड मेरायो डांस, तो ये
जो डांस है वो ड्रम बीट वॉल्स फट, यानी कि तलवार निकाल कर जो ऐसे ऐसे घुमाकर जो डांस करते हैं उसे कहते हैं मेरायो डांस। इन सुरेंद्र नगर रीजन द पीपल ऑफ पडार कम्युनिटी डांस विथ ताल एंड लय ऑफ डांडिया एंड मंजीरा। तो सुरेंद्र नगर में जो पडार कम्युनिटी होती है वो भी लय और ताल के साथ डांडिया और मंजीरा लेकर ये डांस परफॉर्म करते हैं। विथ वाइल्ड डांसिंग दे जनरेट सीन्स लाइक सी वेव्स और लाइक अ शिप मूविंग ऑन अ सी। तो डांस करते करते वो ऐसा परफॉर्म करते हैं, ऐसा जनरेट करते हैं जैसे कि वो कोई सी वेव्स हो या फिर सी में कोई शिप मूविंग कर रहा हो। कोलीस ऑफ सौराष्ट्र परफॉर्म कोली डांस होल्डिंग मद्रासियो विच इज अ कलरफुल क्लॉथ फॉर ट्राइंग ऑन हेड एंड हेड गियर डेकोरेटेड विथ एम्ब्रॉयडरी एंड मिरर टाइड विथ ग्रीन कलर एम्ब्रॉयडरी बेल्ट। तो वो ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं जो जिसमें ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है, जो अपने सर पर, मीन्स ये जो मद्रासी है वो सर पर पहनने वाली है, एक वन टाइप ऑफ टर्बन होती है जो एम्ब्रॉयडरी और मिरर के साथ डेकोरेट की गई हुई होती है, और एक कमर पर एक डेकोरेटेड एम्ब्रॉयडरी वाला बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट पहनते हैं वो। दे वेयर फिट ऑन देयर वेस्ट टू परफॉर्म डांस, और जो वो अपने वेस्ट पर पहनते हैं उसे बेत कहते हैं, और ये पहनकर वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली मेल डांस ऑफ सौराष्ट्र एंड अदर डांसिस ऑफ भरवाड टाइप्स आर वेल नोन। इसी तरह से जो सौराष्ट्र का जो मेल डांस है और दूसरे जो डांसिस है भरवाड के, वो भी भरवाड टाइप्स के, वो भी काफ़ी फेमस है। एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर हियर ऑल्सो वी फाइंड द इंडियन कल्चर इज यूनिवर्सल असिमिलेटिंग ऑल। तो जिस तरह से हमने आगे भी पढ़ा और इस चैप्टर में भी पढ़ा कि जो हमारा जो कल्चर है वो पूरी पूरे ब्रह्मांड से, पूरी दुनिया से अलग है, एज अ रिजल्ट ऑफ अराइवल ऑफ वेरियस ट्राइब्स, जिसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ कई प्रकार की ट्राइब्स आई सिंस एंशियंट टाइम टू कंटेम्प्ररी वन, और पुराने ज़माने से लेकर आज भी कई प्रकार की प्रजातियाँ हमारे इंडिया में आती ही जा रही है। मैनी चेंजेस ऑकर्ड लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट होम आर्टिस्ट्री पेंटिंग डांसिंग एंड वेरियस अदर फाइन आर्ट। तो उनके आने की वजह से हमारे जो कल्चर उसमें कई सारे चेंजेस आए, हमारे ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में, हमारी जो दूसरी जो कला है उनमें हैंडीक्राफ्ट होम आर्टिस्ट पेंटिंग डांसिंग और कई सारी ऐसी जो फाइन आर्ट की कला है उन सब में काफ़ी सारा चेंजेस आए, पर ग्रोथ के साथ साथ उनका डेवलपमेंट भी हुआ। एंड दिस शोज रिच एंड वेल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड इट लीव्स परमानेंट इम्प्रेशन ऑफ इंडिया ऑन द हॉरिजन ऑफ वर्ल्ड।